हबीबी पब्लिक इंटर कॉलेज डिंगरपुर में आयोजित 7 दिवसीय समर कैंप का समापन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें एएसपी शक्ति अवस्थी द्वारा बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सड़क सुरक्षा जागरूकता रैली भी निकाली गई, जिसको एएसपी शक्ति अवस्थी द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। बच्चों ने न शौक न मजबूरी, हेलमेट है जरूरी, सड़क पर जो कर्तव्य दिखाएगा बेमौत मारा जाएगा, मत करो इतनी मस्ती, जान नहीं है सस्ती, के नारे लगाकर समाज में जागरूकता लाने का प्रयास किया। अवस्थी द्वारा बच्चों को समर कैंप में अच्छा प्रदर्शन करने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उन्होंने बच्चों का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि समाज में कामयाब होने का सबसे सस्ता और आसान तरीका एजुकेशन है। आप एजुकेशन हासिल करेंगे तो जिस तरीके से आज मैं मुख्य अतिथि बनकर इस प्रोग्राम में आया हूँ, एक ना एक दिन आप भी इसी तरीके से किसी प्रोग्राम में मुख्य अतिथि बन सकते हैं। इसीलिए एजुकेशन को हासिल कीजिए और कामयाबी की राह पकड़िए। आज मुझे किसी भी स्कूल में आने का सौभाग्य कम से कम शायद 8-10 साल बाद मिला है। मैंने अपना स्कूल 2010 में खत्म किया था, अब 2022 है। बीच में एक दो बार कुछ और जगह गया हूँ, लेकिन बहुत ही खुशी के साथ बता रहा हूँ आपको कि बहुत अच्छा लग रहा है इतने सारे बच्चों के बीच आके उनके उपलक्ष्य में रहने का, बात करने का। आप लोगों के अंदर जो ऊर्जा है, जो शक्ति दिखती है मुझे, उससे मुझ में ताकत आती है। आप लोग भविष्य है देश का, और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर भविष्य इतना ऊर्जावान, इतना उत्साह वाला होगा तो देश का भविष्य तो अपने आप ही उज्जवल हो जाएगा। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य मशहूर अहमद महमूद जावेद, जहीरुल इस्लाम, अरुण कुमार, मुकेश कुमार, वसीउद्दीन, मोहम्मद रेहान, मोहम्मद शाहनवाज, राशिदा परवीन, आशमा, आसमा परवीन, निषाद परवीन, मुकेश कुमार, सौरभ कुमार, ब्रजेश कुमार शर्मा आदि का सहयोग रहा। सभी जो मेरे टीचर के स्टूडेंट हैं, जो उनका लास्ट ईयर है और इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया सभी स्टाफ ने, के शायद पहली बार 24 साल स्कूल हो गए, 25 साल में जा रहे हैं, 2023 में 25 साल हम मनाएंगे। तो पहली बार ये प्रोग्राम समर कैंप का इतना अच्छा हुआ कि जितनी भी तारीफ की जाए, अभी जो एएसपी सर आए थे वो इतनी तारीफ करके गए हैं बाहर, और मुझे जो है उन्होंने इस तरीके से नमस्ते करके गए आईपीएस, तो ये हमारे लिए बहुत फख्र की बात है। और बाहर जाके उन्होंने इतना शुक्रिया अदा किया उन्होंने।